नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूरे देश में ज्योति मौर्या का नाम ट्रेंड कर रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच का विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ एक ओर ज्योति मौर्या अपने पति आलोक पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, तो वही दूसरी ओर आलोक मौर्या अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहे हैं। दोनों के बीच विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। वहीं अभी यूपी में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान इस मामले को लेकर सामने आ गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ने एसडीएम ज्योति मौर्या को लेकर हो रहे विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर ने ज्योति मौर्या का समर्थन करते हुए कहा कि पुरुष करे तो रासलीला और महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की 50% आबादी है और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आधी सीट आरक्षित करवाऊंगा। वहीं इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी अपनी भड़ास निकाली और अखिलेश यादव को घमंडी बता दिया। साथ ही कहा कि वह पहले समझौता करने का लहजा सीखे, वह मुझे बेवकूफ समझते हैं, वह खुद बेवकूफ है। वहीं ओपी राजभर ने मायावती को कुशल शासक बताते हुए प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बताया। विपक्ष के गठबंधन और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। सामान्य और ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री बन गया है, दलित वर्ग का प्रधानमंत्री बनना बाकी है। दलित वर्ग में सबसे बड़ा चेहरा मायावती है, इनसे बड़ा चेहरा देश में कोई नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। यदि विपक्षी एकता बना रहा तो मायावती, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और उसमें हमें भी ले लीजिए। ऐसे में 70+ सीट लोकसभा में जीत ही जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्वागत योग्य बताया। तो देखा आपने साफ तौर पर, अब ओपी राजभर ज्योति मौर्या के समर्थन में नजर आ रहे। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को घमंडी बताया। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने मायावती की तारीफ की और बोले कि राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।